कुछ भी कहो, बिहार में तो आजकल तो विपक्ष का ही बोलबाला है। कहा एक तरह बिहार में पुल गिरने और बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ी कर दी है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के साथ ही बीजेपी ने विशेष राज्य की मांग को ठुकराकर जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही राष्ट्रीय जनता दल लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहा है। विशेष राज्य के मुद्दे पर पहले राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला, सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा तक मांग लिया। इतना ही नहीं, राजद नेताओं ने लालू राबड़ी और नीतीश राज की तुलना भी कर दी। आंकड़ा जारी कर बताया कि भाजपा और जेडीयू के नेता झूठ और दुष्प्रचार को हथियार बनाकर सत्ता में आए और फर्जी आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं, पर वह तथ्यों और सही आंकड़ों पर बहस नहीं कर सकते। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी एवं आरजू खान ने कहा कि भाजपा और जेडीयू के नकारात्मक और दुष्प्रचार की राजनीति का खामियाजा आज बिहार को भुगतना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सुशासन सरकार और पुलिस हुक्मरानों द्वारा अपराध नियंत्रण पर हर दावे और उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद भी राज्य में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, छेड़खानी और बलात्कार की एक श्रृंखला सी बन गई है। अब तो घर के अंदर भी लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। राह चलते सरेआम गोली मार दी जा रही है। विद्यालय का कैंपस भी अछूता नहीं रहा। आरजेडी प्रवक्ताओं ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार की बुनियादी ही दुष्प्रचार, झूठे दावे और नकारात्मक सोच पर टिकी हुई है। 1990 में लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उस समय बिहार का क्राइम रेट 145 था, और जब राबड़ी देवी जी 2005 में मुख्यमंत्री पद छोड़ी उस समय बिहार का क्राइम रेट 108 था। स्पष्ट है कि राजद शासन काल में आपराधिक घटनाओं में भारी गिरावट दर्ज की गई। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो क्राइम रेट 108 से बढ़कर 2024 तक पहुंच गई। राजद प्रवक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार और एनसीआरबी के आंकड़ों को ही आधार मान लिया जाए तो राजद शासनकाल में प्रति घंटा औसत 11 संज्ञेय अपराध दर्ज होते थे। वहीं एनडीए की सरकार में दर्ज होने वाली संज्ञेय अपराध की संख्या प्रति घंटा औसत 21 यानी राज्य शासनकाल के लगभग 2 गुना हो गया है। बलात्कार की घटनाओं में 100% बढ़ोतरी के साथ प्रतिदिन 4 मामले दर्ज हुए, जबकि राजद शासनकाल में प्रतिदिन का औसत 2 है। राजद शासनकाल में प्रतिदिन अपहरण की औसत 4 घटनाएं दर्ज है, वहीं एनडीए शासनकाल में 4 गुना बढ़ोतरी के साथ प्रतिदिन औसत 16 घटनाएं दर्ज की गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजद शासनकाल में रिकवरी रेट जहां 97% था, वहीं एनडीए शासनकाल में वह घटकर 43% हो गया, यानी 57% अपहृतों की हत्या कर दी गई। सरकारी आंकड़े के अनुसार एनडीए शासनकाल में औसतन प्रतिदिन 9 लोगों की हत्या कर दी जाती है। राजद शासनकाल में चोरी की घटना प्रतिदिन औसत के हिसाब से जहां 28 है, वहीं एनडीए शासनकाल में 58 यानी 2 गुना से भी ज़्यादा है। दंगा फसाद के मामले में भी राजद के 22 की तुलना में एनडीए काल में 28 मामले औसतन प्रतिदिन दर्ज हुए हैं।